ऑलराइट क्या हाल है Vivo T3X 5G। इस फोन को यूज करते मुझे 10 दिन हो चुके हैं। आज की वीडियो में इस फोन का फुल रिव्यू करेंगे कि एक्चुअल में ये फोन कैसा है। मेरे पास ये जो वेरिएंट है 4GB रैम 128GB का जो कि बेस वेरिएंट है, और इस फोन को आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए डायरेक्ट आप लोगों को पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा कि फोन के अंदर क्या चीजें अच्छी हैं क्या चीजें खराब है। और अगर आप लोग अपना मेहनत का पैसा एक नया फोन लेने के ऊपर लगा रहे हो तो क्या ये फोन आप लोगों को बाय करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, फोन के क्या चीजें अच्छी हैं क्या चीजें खराब हैं, और किसके लिए फोन बना किसके लिए नहीं बना, क्योंकि सारे फोन जो हैं वो सबके लिए नहीं बने होते। तो वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक वॉच करना। अगर आप लोग Vivo T3X ले रहे हो या फ्यूचर में लेने वाले हो तो आपके जो कंफ्यूजन है डाउट्स हैं इस फोन को लेकर के वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। छोटी से लेकर के छोटी और बड़ी से लेकर के बड़ी सारी चीजें इस फोन के बारे में आपको बताने वाला हूं। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बॉक्स कंटेंट और प्राइसिंग की बात करते हैं। तो बॉक्स के अंदर आपको सब कुछ मिलेगा, कवर, चार्जर जो कि 44 वॉट का है, टाइप सी की केबल, सिम इजेक्टर पिन और फोन। और प्राइसिंग की बात करें तो देखो फोन का जो बेस वेरिएंट है वो आपको 4GB रैम 128GB का मिलता है, जिसकी ऑनलाइन प्राइसिंग आपको 13,500 मिलती है, लेकिन कार्ड ऑफर लगा करके आप लोग उसी फोन को 12,500 रुपए में खरीद सकते हो। बाकी अगर ऑफलाइन लोगे तो ऑफलाइन आपको कार्ड ऑफर नहीं मिलेगा, तो यही फोन आप लोगों को 13,500 में मिलेगा। तो यही बोलूंगा अगर ये फोन ले तो ऑनलाइन लेना, जिससे आपका 1,000 रुपए बच जाएंगे। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इस फोन की बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन के बारे में। तो देखो डिजाइन तो फोन का मुझे काफी बढ़िया लगा, देखने में फोन सबसे अलग दिखता है। बाकी मेरे पास ये जो कलर है ब्लिश कलर है, और फोन जो पूरा प्लास्टिक से बना है, साइड की फ्रेम प्लास्टिक की है, बैक में प्लास्टिक देखने को मिलता है। और हां बिना कवर के अगर आप लोग फोन को यूज करोगे तो इसके ऊपर फिंगरप्रिंट स्मजेस के जो निशान है काफी ज्यादा आते हैं। बैक में आप लोगों को मैटी फिनिश तो देखने को मिलती है, लेकिन भाई काफी ज्यादा फिंगरप्रिंट मैग्नेटिक कलर है। बिना कवर के यूज करो देखो भाई कितने ज्यादा फिंगरप्रिंट की जो निशान है वो पड़ जाते हैं। तो कवर लगा के यूज करोगे तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी जो कैमरा मॉड्यूल है इसके साइड में आप लोगों को ये जो रिंग देखने को मिलती है गोल्डन कलर के अंदर है, जिससे फोन देखने में और भी बढ़िया लग जाता है। बाकी फोन का वेट बैलेंस भी काफी अच्छे से विवो ने मैनेज किया, 200 ग्राम के आसपास आपको फोन का वेट मिलता है। ग्रिप हाथ में काफी अच्छा बन जाता है, क्योंकि फोन आपको साइड से जो कर्वी है वो देखने को मिलता है। बाकी इन हैंड फील मुझे ऐसा लगा कि भाई अगर आप लोग फोन को हाथ में पकड़ोगे तो आपको लगेगा कि भाई आपने 20,000 से 25,000 रुपए का जो फोन है वो हाथ में पकड़ा हुआ है। तो इन हैंड फील मुझे फोन काफी अच्छा लगा। बिल्ड क्वालिटी आपको पूरी प्लास्टिक की देखने को मिलती है, और इस प्राइस के अंदर जितने फोन और आते हैं सब में आपको प्लास्टिक ही देखने को मिलता है, लेकिन Vivo ने भाई अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक यूज किया, कहीं से फोन दबता नहीं है, कोई हिंजेस देखने को नहीं मिले। लेकिन आपके जो वॉल्यूम बटन है इसके नीचे जो पावर बटन है इसमें आप लोगों को हल्की सी दिक्कत देखने को मिल सकती है। इसका ग्रिप इतना अच्छा नहीं है, अगर आप लोग को बटन ऐसे हिलाओगे तो बटन हिलता है और इसकी साउंड भी आती है। तो ये मेरे जो यूनिट है इसके अंदर मुझे ये दिक्कत देखने को मिली। आपके अंदर क्या ये दिक्कत है या नहीं है मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी फोन में आपको ड्यूल स्पीकर देखने को मिलते हैं, वॉल्यूम बूस्टर का सपोर्ट है, तो लाउडनेस आप लोगों को थोड़ी ज्यादा इस फोन के अंदर देखने को मिल जाती है। हेडफोन जैक का गड्ढा भी आप लोगों को इस फोन में देखने को मिल जाता है, लेकिन जो माइक है वो आप लोगों को सिंगल ही देखने को मिलता है। और कॉल क्वालिटी कैसी है वो आप लोग चेक कर लो। बिल्कुल क्लियर भाई साहब, अच्छी आवाज आ रही है ना फोन से आपके, इसकी ऐसे लग रहा है ना कि फोन से बात कर रहा हूँ मैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल अच्छी आवाज आ रही है ना भाई साहब। हाँ बिल्कुल अच्छी आ रही है ना, ठीक है। तो कुछ इस तरीके की जो माइक की क्वालिटी है इस फोन की है। बहुत सारे बंदे मुझे कमेंट कर रहे थे कि भाई इस फोन में सिंगल माइक है तो कॉलिंग के अंदर कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, या हम लोग जब बात करेंगे कोई सामने वाले को अच्छे से सुनाई देगा कि नहीं देगा। तो आपके सामने मैंने कॉल मिलाया और पूछा तो सामने वाली पार्टी को अच्छे से साउंड है वो आ रही थी, तो माइक क्वालिटी अच्छी है। लेकिन ड्यूल माइक होते तो उससे बेटर क्वालिटी सुनने को मिलती, लेकिन सिंगल माइक है फिर भी काम आपका चल जाएगा। बाकी इस फोन में हाईवीड सिम स्लॉट है, तो आप लोग एक साथ 2 सिम लगा लो या 1 मेमोरी कार्ड 1 सिम लगा लो। अब बैटरी की बात लेते हैं। इस फोन में आपको बड़ी 6000 एमएच की बिग बैटरी मिलती है, और 44 वॉट की फास्ट चार्जिंग को ये फोन सपोर्ट करता है। चार्जर आपको बॉक्स के अंदर ही मिलेगा। फोन को पूरा फुल चार्ज होने में 80 मिनट लगते हैं, और बैटरी बैकअप आपको आराम से एक दिन का ये फोन निकाल करके दे देता है नॉर्मल यूजर्स के ऊपर। और गेमिंग के ऊपर आप लोगों को 8 से 9 घंटे का जो बैटरी बैकअप है इस फोन में देखने को मिल जाएगा। अगर इस फोन में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर है, और इसकी स्पीड भी फास्ट है, अच्छे से काम करता है, कोई ऐसा इशू देखने को नहीं मिला, और जो मिस टच है वो भी नहीं है, अच्छे
सिंगल टैप के ऊपर फोन अनलॉक हो जाता है। लेकिन आपका जो पावर बटन है इसके अंदर दिक्कत है कि भाई ये थोड़ा सा आप लोगों को लूज देखने को मिलता है, तो मैंने आपको बता दिया। बाकी ऐसी कोई दिक्कत मुझे फिंगरप्रिंट में देखने को नहीं मिली। फास्ट है, एक्यूरेट है, अच्छे से काम करता है और एकदम से फोन को अनलॉक कर देता है। उतना भी फास्ट नहीं है लेकिन भाई जितना एक नॉर्मल बंदे को अच्छा लगता है, ज्यादा उसको स्लो ना लगे उतना अच्छे से बढ़िया काम कर लेता है। बाकी मुझे तो कोई ऐसी दिक्कत देखने को नहीं मिली। हैप्टिक वगैरह भी इस फोन में एवरेज से है। जो वाइब्रेशन फीडबैक है वो भी नॉर्मल है। इस फोन में ड्यूल स्पीकर है, एक आपको बॉटम साइड मिलता है, एक ऊपर टॉप ईयर पीस में, तो साउंड सुनना कैसी है। और वॉल्यूम बूस्टर का सपोर्ट भी इस फोन में है, तो 300% तक आप लोग वॉल्यूम को बूस्ट कर सकते हैं। अभी जो वॉल्यूम थी 300% के ऊपर थी, अब मैं वॉल्यूम को 200% के ऊपर कर लेता हूँ। अब आप लोग आवाज सुनना, लाउडनेस कैसी रहती है, बेस टेबल कितना कम ज्यादा होता है। अभी ये जो वॉल्यूम थी 200% के ऊपर थी, अब मैं नॉर्मल 100% के ऊपर वॉल्यूम करता हूँ। अब आप लोग आवाज सुनना कैसी आती है, लाउडनेस कितना है, बेस टेबल कितना ऊपर नीचे होता है, वो भी चेक कर लेना। तो कुछ इस तरीके का जो साउंड एक्सपीरियंस है वो आपको सुनने को मिलता है। तो ऐसा नहीं है कि लाउडनेस इस फोन के अंदर नहीं है, अच्छी खासी लाउडनेस मिलती है, लेकिन बेस बहुत ही कम है। अगर थोड़ा सा बेस ज्यादा होता तो लाउडनेस के साथ और मजा आवाज सुनने में आता। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो वो रही डिस्प्ले। देखो इस फोन में IPS डिस्प्ले है, फुल HD प्लस रेजुलेशन के साथ, 120Hz का रिफ्रेश रेट भी है, वाइड 1L1 का सपोर्ट है। तो Amazon Netflix के ऊपर जो कॉन्टेंट है HDMI स्ट्रीम कर सकते हो और YouTube के ऊपर जो कॉन्टेंट है वो 4K में देख सकते हो। लेकिन थोड़ा टाइम कॉन्टेंट देखने के बाद जो कॉन्टेंट है वो हल्का सा लैग होने लग जाता है। बाकी 1000 निट्स की आउटडोर पीक ब्राइटनेस है, तो आउटडोर में ऐसी कोई डिस्प्ले की ब्राइटनेस की दिक्कत आपको नहीं होगी, डिस्प्ले प्रॉब्लम नहीं करेगी, इनफ आप लोगों को देखने को मिल जाएगी, अच्छे से डिस्प्ले विजिबल हो जाएगी। तो नो डाउट ऐसी कोई ब्राइटनेस की जो दिक्कत है वो आपको देखने को नहीं मिलेगी। डिस्प्ले के चिन और बेजल्स भी आप लोगों को ना के बराबर तो देखने को नहीं मिलते। ऊपर के जो बेजल्स हैं आपको उतने ज्यादा देखने को नहीं मिलते, लेकिन बॉटम साइड की जो चिन है वो आप लोगों को थोड़ी सी ज्यादा देखने को मिल जाती है। अगर वीवो इसको थोड़ा सा कम कर देता तो डिस्प्ले एक्सपीरियंस और भी कमाल का हो जाता। डिस्प्ले के कलर्स वगैरह मैंने टेस्ट किए, अच्छे कलर्स आते हैं। कंटेंट वॉच में डिस्प्ले नंबर 1 के ऊपर है और 4K रेजोल्यूशन को सपोर्ट करती है, तो भाई 4K में आप लोग कंटेंट भी इसमें वॉच कर पाओगे और गेमिंग एक्सपीरियंस भी काफी बढ़िया है। डिस्प्ले के ऊपर अच्छे जो ग्राफिक्स हैं वो आप लोगों को गेमिंग्स के अंदर भी देखने को मिल जाएंगे। बाकी जितना मैंने यूज किया मुझे डिस्प्ले में कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली। और हां प्रोटेक्शन की बात करें तो गोरिल्ला ग्लास जो विक्टर्स की प्रोटेक्शन है वो आपको इसमें देखने को मिलती है। बाकी प्री अप्लाइड आप लोगों को जो पन्नी सी है वो भी स्क्रीन के ऊपर आउट ऑफ द बॉक्स ही देखने को मिल जाएगी। और हाँ डिस्प्ले एक्सपीरियंस मुझे इस फोन का काफी बढ़िया लगा, तो डिस्प्ले के अंदर कोई ऐसी दिक्कत नहीं। और हाँ इस फोन में सेंसर वगैरह भी सारे देखने को मिलते हैं और 8 5G के बैंड मिलते हैं। और 5G बैंड तो भाई 8 है, लेकिन जब मैंने इसका स्पीड टेस्ट किया तो 5G नेटवर्क अच्छे से आपको देखने को मिलते हैं और जो नेटवर्क स्टेबिलिटी है वो भी काफी अच्छी है। 4G प्लस कैरियर एरिएशन को सपोर्ट करता है, 5G प्लस प्लस कैरियर एरिएशन भी आपको इसमें देखने को मिल जाता है। और जो नेटवर्क स्पीड है, डाउनलोडिंग स्पीड आपको 300 से 400 Mbps और जो अपलोडिंग स्पीड है 5 से 10 Mbps देखने को मिलती है। मैं एक गांव के अंदर रहता हूँ और एक गांव के अंदर इतनी ज़्यादा स्पीड मिलना अच्छी बात है भाई, नेटवर्क स्टेबिलिटी भी काफ़ी अच्छी है। और काफ़ी सारे बंदे कमेंट कर रहे थे कि VoNR को फ़ोन सपोर्ट करता है, तो हाँ VoNR को सपोर्ट करता है और कोई नेटवर्क कोई इशू मुझे देखने को नहीं मिला। कॉलिंग के ऊपर भी जो नेटवर्क स्टेबिलिटी है काफ़ी अच्छी है। वेल अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो वो रहा इस फोन का सॉफ्टवेयर। इस फोन में आपको आउट ऑफ द बॉक्स फन टच OS 14 और एंड्रॉइड 14 मिलता है, अच्छी बात है, लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है। और सॉफ्टवेयर सपोर्ट की बात करें तो 1 साल तक इस फोन में आपको मेजर एंड्रॉइड का अपडेट मिलेगा और 2 साल तक आपको सिक्योरिटी पैच के जो अपडेट है वो वीवो प्रोवाइड करवाएगा। तो नो डाउट जो सॉफ्टवेयर सपोर्ट है वो बजट के हिसाब से अच्छा आपको देखने को मिलता है। लेकिन UI की बात करें तो जब मैंने फोन को फर्स्ट टाइम बूट किया बहुत सारी अनवांटेड ऐप, बहुत सारे बूटवेयर आपको देखने को मिल जाते हैं, लेकिन उनमें से कुछ को आप लोग अनइंस्टॉल कर सकते हो, कुछ को नहीं कर सकते और कुछ तो डिसेबल भी नहीं होते। तो यहां पर आप लोगों को जो एक्सपीरियंस है मिक्स सा देखने को मिलेगा। UI इतना भी अच्छा नहीं है इस फोन के अंदर, आप लोगों को जो बूटवेयर है वो देखने को मिलते हैं, अनवांटेड एड्स काफी ज्यादा आती है, लेकिन सबको बंद कर दोगे फिर भी उतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं मिलता, क्योंकि जो अनवांटेड एप्स है वो कुछ तो डिसेबल नहीं होती, जैसे कि ऐप मार्केट, हॉट टैग गेम्स, हॉट सपोर्ट एप्स, ये सारी जो एप्स है वो आपकी डिसेबल भी नहीं होगी, अनइंस्टॉल तो बहुत दूर की बात है। बाकी फीचर वगैरह आपको बहुत सारे देखने को मिल जाते हैं, लेकिन ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का जो फीचर है वो इस फोन में आपको देखने को नहीं मिलता। रैम एक्सपेंशन का जो फीचर है वो वगैरह सारे नॉर्मल फीचर आपको देखने को मिल जाएंगे। लेटेस्ट सॉफ्टवेयर तो है लेकिन जो अनवांटेड एप्स, अनवांटेड बूटवेयर है वो भी आप लोगों को इस फोन में देखने को मिल जाता है। बाकी 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, पूरे UI के अंदर अच्छे से वीवो ने इंप्लीमेंट किया, अच्छे स्क्रोलिंग एक्सपीरियंस आपको देखने को मिल जाते हैं। देखो इस फोन के कैमरा वगैरह से इतनी
उतनी ज्यादा उम्मीद मत रखना। इस फोन में आपको 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा और 2 मेगापिक्सल का AI कैमरा देखने को मिल जाता है बैक में, और फ्रंट में आपको 8 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलती है। अब कैमरा के बारे में बताने से पहले आप लोग कैमरा सैंपल चेक कर लो जो मैंने इस फोन से कैप्चर किए हैं, बैक कैमरा फ्रंट कैमरा से। और ये फोन भाई 4K वीडियो को सपोर्ट नहीं करता, तो अगर आप लोग वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए इस फोन को ले रहे हो तो 4K का जो सपोर्ट है वो आपको इस फोन में नहीं मिलेगा। साथ में जो कैमरा क्वालिटी है वो भी आप लोगों को डिसेंट एवरेज ही देखने को मिलेगी, इतनी बढ़िया कैमरा क्वालिटी आपको देखने को नहीं मिलती। अगर आप लोग हाई एंड फोटोग्राफी के लिए फोन लेने की सोच रहे हो तो भाई ये फोन के अंदर आप लोग हाई एंड फोटोग्राफी नहीं कर सकते, और जो फोटोज क्लिक करोगे उसके बाद जो कलर्स आते हैं वो भी भाई इतने बढ़िया नहीं आते। फ्रंट कैमरा तो भाई इतना ज्यादा फेस को व्हाइट कर देता है कि ऐसा लगता है कि हमने ब्यूटी मोड को अप्लाई करके रखा है। बाकी HDR भी इतने से कंट्रोल देखने को नहीं मिलता, और मेन बात कि भाई लाइटनिंग का फोकस कैसा है, एडजस्ट कैसे करता है लाइट को। अगर आप लोग अंधेरे से एकदम से लाइट के अंदर जाते हो तो भाई फेस जो उसके अंदर कॉन्ट्रास्ट आप लोगों को काफी ज्यादा देखने को मिल जाता है। तो यहां पर कुछ चीजें हैं जो कैमरा के अंदर मुझे गड़बड़ लगी, और 12,000 रुपए के अंदर भाई कैमरा मुझे बिल्कुल भी फोन का बर्थ नहीं लगा। तो कैमरा क्वालिटी ऐसी और 4K को ऊपर से ये फोन सपोर्ट नहीं करता। यही सेम प्रोसेसर भाई Realme 12 Pro के अंदर भी आपको देखने को मिलता है, तो उस फोन के अंदर आपको 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट मिल जाता है, लेकिन भाई इस फोन के अंदर आपको 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का जो सपोर्ट है वो नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपने नॉर्मल स्टडी पर्पस के लिए, अपने एजुकेशन पर्पस के लिए, या नॉर्मल फोटोग्राफी आपने अपने फोटोज क्लिक करने हैं सोशल मीडिया के ऊपर डालने के लिए, वो आप लोग एवरेज से फोटो क्लिक कर सकते हो, लेकिन हाई एंड फोटोग्राफी करनी है तो उसके लिए ये फोन नहीं बना है। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो वो रहा इस फोन की परफॉर्मेंस। फोन की प्राइसिंग है 12,000 रुपए, और बहुत सारे बंदे कमेंट करते हैं भाई 12,000 का फोन है, कहीं फोन लैग तो नहीं करता, अटक करके तो नहीं चलता, और साथ में फोन में परफॉर्मेंस कैसी मिलती है। परफॉर्मेंस के लिए वीवो ने इस फोन में आपको स्नैपड्रैगन 6 Gen 1 का जो 5G प्रोसेसर है वो दिया, अच्छे से काम करता है। अंत स्कोर आप लोगों को इसके 5 लाख के आसपास देखने को मिल जाएंगे। UFS 2.2 की स्टोरेज है, LPDDR4X की रैम है, तो नो डाउट रीड और राइट स्पीड आपको अच्छी देखने को मिलेगी। कट कॉपी पेस्ट करने में 1 GB फाइल को आपके 10 से 12 सेकंड लगते हैं, और रियल पैटिक लैब के अंदर भी जो लैग है वो आप लोगों को देखने को नहीं मिलता। आपके हैवी टास्क है वो अच्छे से फोन हैंडल कर लेता है। लेकिन अगर आप लोग इस फोन का 4GB रैम 128GB का वेरियंट लोगे तो उसके अंदर हल्का फुल्का जो लैग है वो आपको देखने को मिल जाएगा। एनिमेशन आपको देखने को नहीं मिलते ऐप ओपन ऐप क्लोज करते टाइम, तो ये चीजें कुछ यहां पर वीवो ने मिसिंग करके देखे, जिससे भाई फोन की जो परफॉर्मेंस है थोड़ी सी बेटर हो जाए, तभी वीवो ने जो एनिमेशन है उनको रिमूव किया। बाकी गेमिंग बैरअप मैंने की तो 40 FPS का गेम प्ले आप लोग आराम से इस फोन में कर पाओगे, वहां पर भी आप लोगों को टच रिस्पॉन्स इतना बढ़िया नहीं मिलता। और मैंने इस फोन का BGMI का टेस्ट भी किया है रियल पैटी लाइव में, तो उसको चेक कर लेना, वहां पर आप लोगों को अच्छे से पता चल जाएगा गेमिंग के अंदर फोन कैसे परफॉर्म करता है। लेकिन जितना भी बताऊं यहां पर आप लोगों को गेमिंग 40 FPS तो दे देता है, लेकिन गेम अटक जाती है, टच रिस्पॉन्स उतना अच्छा नहीं है, और जो रिस्पॉन्स है गेमिंग के अंदर जिटरनेस है वो भी आप लोगों को हल्की फुल्की देखने को मिल जाएगी। तो इतनी बढ़िया गेमिंग ये 4GB रैम 128GB रैम के अंदर वो आपको देखने को नहीं मिलेगी। अगर आप लोग हायर वेरिएंट लोगे तो वहां पर आप लोगों को परफॉर्मेंस थोड़ी सी अच्छी देखने को मिल जाएगी। और हां, इस फोन में IP64 की रेटिंग है, तो नॉर्मल बाटा स्मजेस एंड डस्ट वगैरह है उनसे आपका फोन खराब नहीं होगा। अब ये मत करना कि फोन को पानी के अंदर डुबो दो उसके बाद बोलो IP64 की रेटिंग है, हमारा फोन फिर भी खराब हो गया, वीवो उसकी वारंटी नहीं देगा। ओवरऑल ये था फुल रिव्यू वीवो T3X 5G का। अब ये फोन किसके लिए बना किसके लिए नहीं बना आपको उसके बारे में बताता हूं, बट उससे पहले अगर आपने चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को भी लाइक कर दो। अब देखो, अगर आप लोग एजुकेशन पर्पस के लिए फोन ले रहे हो, या आप लोग ऑफिस में काम करते हो, नॉर्मल कैजुअल आप लोगों ने गेमिंग करनी है, अच्छी बैटरी लाइफ भी चाहिए और कैमरा वगैरह भी एवरेज आपके लिए चलेगा, तो ये फोन आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। आंख बंद करके आप लोग इस फोन को ले सकते हो। लेकिन अगर आप लोगों को परफॉर्मेंस नेक्स्ट लेवल की चाहिए, कैमरा भी नेक्स्ट लेवल का चाहिए, तो ये फोन आपके लिए नहीं बना है। जिनको भाई नॉर्मल अपने कैजुअल काम के लिए, डेली लाइफ में यूज करने के लिए नॉर्मल फोन चाहिए, वो इस बंदे इस फोन को ले सकते हैं। लेकिन जिनको हैवी गेमिंग करनी है, हैवी अच्छी आप लोगों को कैमरा चाहिए, तो ये वो सब चीजें आपको इस फोन में उतनी बेटर देखने को नहीं मिलती। बाकी क्या आप लोग इस फोन को ले रहे हो नहीं ले रहे हो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना।